हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ की मैथ के साथ। टॉपिक है आपका 13B प्रेस्टीज क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो आज की क्लास में 13A का पहले नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले 13A आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 13B आज स्टार्ट करनी है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो 13A एक्सरसाइज और विथ एग्जाम्पल ठीक है कर चुके हैं। ठीक है, तो और जो आपके से फार्मूले मैंने बताए थे उससे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, अगर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। आज पहला नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, एक बर्तन है वो उल्टे शंकु का आकार का है। ठीक है, तो चलो एक बर्तन बनाते हैं। यहाँ पर ये एक बर्तन है, कैसा है? उल्टा शंकु। ठीक है, उल्टे शंकु का है जो शंकु बन जाएगा। ठीक है, उल्टे शंकु का ऐसे बनेगा। ठीक, ये इस आकार का है। ठीक है, उल्टे शंकु के आकार का ये बन गया आपका शंकु। ठीक है, आगे जो क्या लिखा है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। किसकी ऊंचाई? शंकु की। तो ये शंकु है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और आगे लिखा है जो खुला हुआ है, ठीक है, की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। खुला कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, ये तो खुला भाग है। ठीक है, इसकी त्रिज्या यहाँ से लेंगे तो ये जो त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, इतना समझ में आया आपको? भाई खुला भाग ऊपर है, इसी की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब आगे तो क्या कह रहा है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ऊपर तक पानी से, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और फिर आगे लिखा हुआ है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियाँ जिसमें प्रत्येक गोली की जो त्रिज्या है ठीक है वो 0.5 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ गोलियाँ डाली जाएंगी और जो गोलियाँ डाली जाएंगी त्रिज्या जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे लिखा है गोलाएँ डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसका पहले मैटर देखो है क्या। ठीक है, ये एक शंकु है, उल्टा शंकु है। ठीक है, इसकी ऊंचाई दिए 8 सेंटीमीटर, की त्रिज्या दिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कुछ गोलियां डाली जाएंगी जिनकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 0.5 है। और जब इसमें डाली जाएंगी तो इसका 1/4 भाग जो रहेगा पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना पानी बाहर निकल जाएगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि कितनी गोलियां इसमें डाली जाएं। ठीक है, कि 1/4 भाग पानी निकल जाए। ठीक है भाई, इसमें ही आपको कुछ गोलियां डालना है। ओके, इतना समझ में आया? ठीक, चलो देखो आपको क्या क्या दिए। तो यहाँ पे ध्यान देखना, तो यहाँ पर बेटा आपको शंकु की जो ऊँचाई है, ऊँचाई h, वो कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। आगे बात कर लें, अगर शंकु की त्रिज्या की, ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या r, तो कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ओके, और क्या क्या दिया है? और देखो यहाँ पे जो गोली है, जो गोले की जो त्रिज्या है, भाई गोले भी तो दिए हैं वहाँ पे। ठीक है, गोले की जो त्रिज्या है वो भी दिया है आपको, वो कितना दिया है? अलग त्रिज्या है तो इसको कैपिटल आर मान लेना। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है? आपको पता है ये हमारी लंबाई है, ये आधार हो जाता है, ये हमारा क्या होता है? कण होता है। ठीक है, तो शंकु के कण यानी ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, यानी आपको तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L। ठीक है, जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो L होती है। फार्मूला क्या होता है? रूट के अंदर आपका R² + H² ये तो फार्मूला होता है, यानी पाइथागोरस का जो फार्मूला होता है वही यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है भाई, आपका L है ये, तो कर्ण स्क्वायर अगर यहाँ से वर्ग हटा दोगे भाई, स्क्वायर होता है तो जरूर चढ़ जाता है, ये तो पता सबको। ठीक है, ये आप R क्या है? आधार स्क्वायर और प्लस ये हमारा लंबी स्क्वायर है। ठीक है, चलो सारी चीज़ें रख दो, देखो यहाँ पर निकालो तो L बराबर यहाँ पर रूट के अंदर रखेंगे इसको R कितना है आपके? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस H में कितना है? 8,
8 का स्क्वायर, तो L बराबर आ जाएगा 25 प्लस 8 भाई 64, ठीक है। जोड़ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 4 9, ठीक है, और 6 2 6 2 8, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके ओके, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो आपको देखो निकालना क्या है इसमें कि कितने कंचे की गोलियां आ जाएंगी, ठीक है। तो कंचे की गोलियां यानी आप कह सकते हो जैसे कंचे गोलियां क्या आ जाएंगी, जितना जैसे पानी भर सकते हो, ठीक है, या जितनी आपकी हवा होगी, ठीक है, उसी को तो बोलते हैं आयतन। अच्छा तो बताओ क्या फार्मूला आपका बन जाएगा अगर हम कंचे की गोलियां देखो किसके किसमें डाल रहे हैं, देखो यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर देखो कंचे कंचे की गोलियां, ठीक है, कंचे की गोलियां किसमें डाली जा रही हैं, शंकु के आयतन में। हमने कल भी बताया था, कल की क्लास में क्या बताया था, जब भी एस वाले डायग्राम से यानी कोई भी ले लो, ठीक है, बेलन से शंकु में, शंकु से बेलन में, आयतन से घन में, ठीक है, किसी को किसी सामान को कन्वर्ट करते हैं तो उसी बराबर में रखना, ठीक है, सबसे इजी तरीका यही होता है, ठीक है। तो एक कंचे की गोलियां बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका कंचे की गोलियों का आयतन, लिख लो गोलियों का आयतन, क्योंकि आयतन रहेगा आपका कंचे की गोलियों का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, शंकु के आयतन के बराबर, ठीक है, शंकु के आयतन। अच्छा अब यहाँ पर एक लॉजिक लगेगा जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब जिस शंकु के में आयतन है वो कितना, 1/4 भाग, जो क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, 1/4 भाग का मतलब क्या होता है, 1/4 भाग पानी ऊपर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 भाग पानी ऊपर आएगा, ठीक है। निकालना क्या है, कंचों की संख्या निकालना है, तो यहाँ पे माना कंचों की संख्या क्या है, n है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि एक कंचा है कि दो कंचा है, मान लो पास पता होता कि दो कंचा है तो क्या लिखते, दो कंचों की गोलियों का आयतन, तीन कंचा होता तो तीन कंचों की गोलियों का आयतन, पांच होते तो हम बोल देते हैं, पर हमें पता यही तो करना है कि कितने कंचे हैं, तो बस हमने n लिख दिया, ठीक है, n कंचे होंगे मेरे पास, ठीक है। चलो आप सारे फार्मूले लिख दो, तो गोलियों का आयतन का फार्मूला क्या होता है आपका, पहले n 4/3 पाई आर क्यूब, चलो गोली में हमने r को कैपिटल रखा है तो यहाँ पे आप r कैपिटल रख देंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर है 1/4, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है आपका, 1/3 अच्छा 1/3, हाँ ठीक ठीक 1/3 आगे पाई आर स्क्वायर h, वैसे इसमें l की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, यहाँ आयतन था, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्र निकालते तब लगाते, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे शंकु के जो आयतन को निकाला गया आप निकाल लो, ठीक है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको आयतन निकालना है, ठीक है, हमें लगा पृष्ठीय, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप मैथड तो सीख ही गए होंगे, ठीक है। आप चलो सारी चीज़ें रख देते हैं, चलो उठा के रख दो, जरूरी नहीं है अगर नोट कर लेंगे तो सवाल गलत नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है, इतना समझ जाइएगा। तो सारी चीज़ रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन इंटू 4/3 पाई का मान, अच्छा देखो पाई का एक काम कर सकते हैं, बराबर में है तो जो पहले है तो कट कर दो, यहीं पर कट कर दो, ठीक है, ये कट हो जाएगा, ठीक है, पहले कट कर दो, क्यों बड़ा करें, यहाँ से 3 की बात कर लें तो 3 कट हो जाएगा, और कुछ कट होगा नहीं होगा, ठीक, इतना आपका 4 से 4 नहीं हो सकता बेटा, बराबर में समान चीज़ें कटती हैं, जो प्लस प्लस कटेगा या तो डिवाइड में होगा तो डिवाइड में कटेगा, गुड़े में होगा तो गुड़े वाला ही कटेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन गुड़े 4, चलो यहाँ पे क्या और बचा है, आर क्यूब बचा है, ठीक है, तो ये आर क्यूब क्या है, 0.5 वाला, 3 बार है, इसको डायरेक्ट क्यूब कर दें या 3 बार लिख दो, ठीक है, ये आपकी इच्छाएं हैं, बराबर, ठीक है। आगे 1/4, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कितना है, 5, ठीक है, तो 5 × 5 इंटू एच है, और एच है आपका 8, ठीक है। देखो इस बेस पे फार्मूला रख के करोगे आपको सवाल का जो मैथड होगा वो सरल हो जाएगा, ठीक है, आपको आसानी रहेगी करने में, ओके। आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इस 5 से इस 5 को, क्योंकि ये तो 5 हो गया ना, पॉइंट हट गया है, ठीक, इस 5 को इस 5 से उड़ा दो, ठीक है, और दो क्या कट रहा है, 4 को इस 8 को उड़ा दो, 4 × 8
उड़ रहा है ना अच्छे से। अब दो को इस दो से उड़ा दो अच्छे से, देख लेना क्योंकि अभी नोट नहीं कर सकते हो आप, उड़ाना सीख सकते हो जी। दो दुनी चार, दो को दस को ये बिल्कुल नहीं काटेंगे, जब भी नीचे जीरो हो तो हम बिल्कुल नहीं काटेंगे, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि मुझे भाग नहीं करना पड़ेगा। बाई चांस आपने कहा दो को काट दोगे यहाँ पांच आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे देखो कुछ ऐसा है नहीं, तो अब वहां पे ऊपर क्या है, ये पांच है, ठीक है हाँ, अब तो आप यहाँ पे काट सकते हो। देखो एक लॉजिक मिल गया, ठीक है, देख इस दो से अगर इस यहाँ पे कट करोगे तो पांच आएगा, और इस पांच से ये वाला पांच चला जाएगा, तो काट सकते हो, ओके ठीक है। पर ये माइंड लगाया नहीं था बेटा, वो लग गया, ठीक है ओके, ये हो सकता है। अब देखो बचा क्या, यहाँ पर n बचा इनटू ऊपर कुछ बचा है, यहाँ पर ऊपर लाइन में कुछ, देखो पहले इनटू में लगाओ, यहाँ पे ऊपर कुछ बचा है नहीं, नीचे आपका 10 इनटू 10 बचा है नहीं, 1/100 बचा है, ठीक है। उस साइड देखो क्या बचा है, उधर कुछ नहीं बचा है, सब कट गया, जो बचा था वो अंशु ने कटवा दिया, ठीक है। अब n निकालना है, तो n बराबर यहाँ पे तिरने गुणा करा देंगे, 100 का 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो कंचे की गोलियों की संख्या कितनी होगी 100, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, अर्थात कंचों के गोलियों की संख्या क्या होगी 100 हो जाएगी, ये आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, ओके। सब बच्चों को समझ में आया, ठीक है, तो ओके इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ओके बेटा देखते हैं सवाल नंबर आपका सेकंड। देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, देखिए सब लोग बच्चे पहले इसकी हिंदी अच्छे से देखेंगे, ठीक है, लिखा है एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है, एक ठोस अर्ध गोले पर एक क्या है शंकु के आकार का है, ठीक है, एक ठोस अर्ध गोले पर एक शंकु खड़ा है, खड़े आकार का है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई उसकी भी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक ठोस बना लेना है, ये बना लिया एक कुछ इस प्रकार से, ठीक ऐसे, ओके। अब इस पे क्या है एक शंकु, ठीक है, शंकु तो ऊपर चला जाएगा, छोटा सा बनाना है कुछ इस प्रकार से, डायग्राम आपका बनेगा कुछ प्रकार नहीं, यही बनेगा है, ठीक है ओके, ठीक ये आपका डायग्राम बन गया, ओके। अब आगे थोड़ा और हिंदी इसकी पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसकी आगे हिंदी पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है आगे इसका लिखा हुआ है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो आपके पास ये लिखा है इसको पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी आपको क्या करना है पाई के मान को नहीं रखना है, ठीक है, आंसर पाई में देना है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, वैल्यू क्या क्या दिया है सबसे पहले बताओ, तो इसकी अगर बात कर लें, इसकी त्रिज्या क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, चलो शंकु की त्रिज्या क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ओके, 1 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई भी क्या है 1 सेंटीमीटर है, ये बात कर रहे हैं, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका ऐसे ऐसे जाएगा, यह भी आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सब आपका कंप्लीट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे लिख लो, क्या लिख लो, शंकु अरे पड़ोसी जी, शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर क्या दिया है आपको 1 सेंटीमीटर, ओके ठीक है। आगे की बात कर लें, शंकु की ऊंचाई यानी h, वो भी आपको 1 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है, और ये ठोस जो गोला है क्या है आपके पास, ठोस गोला है, उसको तो क्या दे रहे हैं अर्ध है बेटा, ठोस अर्ध गोला, ठीक है, ठोस अर्ध गोला, ठीक है, अर्ध गोला की त्रिज्या, की त्रिज्या, अच्छा यहाँ पे आर चेंज कर दें कि वही रख सकते हैं, वही रख सकते हैं आप, क्योंकि इसकी त्रिज्या दोनों की त्रिज्याएं क्या है आपकी बराबर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, तो क्या कर सकते हैं आर बराबर 1 सेंटीमीटर, अगर यहीं पर इसकी त्रिज्या 2 या 3 या कुछ भी होती तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देते, ओके भाई, जब त्रिज्या सेम है तो सेम मैटर रखेंगे, ओके। अब अच्छा आपको ज्ञात क्या करना है,
ठोस, जो क्वेश्चन में दिया है आपको दिया है ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा आपका जो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखना है आपको ठोस का आयतन, आयतन ठीक है, आयतन यानी ठोस, ठोस क्या है आपका, यहाँ से है पूरा क्या है यही है ठीक है। तो इस दो किस चीज से बना है, ध्यान से देखोगे तो शंकु है, क्या है शंकु है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु आपको यहाँ पे लिखना है बेटा शंकु का आयतन, और क्या लिखना है प्लस में, और क्या है आपके पास अर्धगोला है ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको ठोस, क्या ठोस अर्ध गोला का आयतन ठीक है, का आयतन ठीक है, इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब इसके फार्मूले को रख देना है। तो चलो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर एच प्लस ठोस अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला आपका होता है ओके। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, आर स्क्वायर ले सकते हैं ठीक है, दो चीज कॉमन आप ले सकते हैं अगर लेने के इच्छुक हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मत लो कॉमन, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है आर एच एक एक है, जहाँ देखो कोई कैलकुलेशन तो बड़ी करानी नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि भाई R का मान और H का मान है 1:1 है, कोई बड़ी कैलकुलेशन करानी नहीं, जिसको बाहर कॉमन ले ठीक है, डायरेक्ट रख दोगे वो भी ज़्यादा सही हो जाएगा जी। 2/3 अच्छा अर्ध, अरे हाँ नहीं 3 अच्छा पूरे अर्ध गोले का आयतन, अच्छा 2/3 और तो यहाँ पर क्यूब होगा ठीक है, हाँ गुड, ये फार्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा ठीक, वेरी गुड ठीक। अब यहाँ पे देखो पाई की जगह पाई, आर की जगह 1 का स्क्वायर (2) रहेगा यहाँ पर भी ठीक है, प्लस की बात कर लें तो 2/3 यहाँ पाई रहेगा, क्योंकि हमें पाई में ही इसका आंसर देना है तो पाई रखेंगे। आगे बात कर लें आर, आर में क्या है 1 का क्यूब ठीक, आप कैलकुलेशन करा लो तो ऊपर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, गुणा कराओगे 1 आएगा यानी पाई बाई 3 आ जाएगा प्लस ठीक है। यहाँ की बात कर लें तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आएगा, तो 2 में गुणा कराएंगे 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई 3, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ठीक है, जब लाशा लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 मिलेगा ठीक है। जब आधार आपके सेम होते हैं तो ऊपर जो भी लिखा होता है त्यों का ज्यों का त्यों लिख देते हैं ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई, इसको जोड़ोगे क्या हो जाएगा 3 पाई/3, 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका पाई, पाई में ज्ञात करना तो देखो पाई आ गया ठीक है, देखो जरूरी नहीं कि पाई आया है इसका आंसर यही हो सकता है ठीक है, कभी 3 पाई आ जाए तो ये मैं सोचना कि 3 क्यों आ रहा है भाई, पाई के पद में याद करना तो 3 पाई भी आ सकता है ओके, यहाँ पर सिर्फ पाई आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या है सेंटीमीटर, तो क्या लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, नहीं आयतन है आयतन ठीक है, और आयतन में क्या होता है बेटा क्यूब होता है ठीक है, जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो स्क्वायर होगा, ऐसे आपका आयतन है ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर सवाल ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका थर्ड, देखो थर्ड में लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है एक कलमदान घनाभ के आकार का कि एक लकड़ी से बना है ठीक है, ये घनाभकार है ठीक है, एक लकड़ी से बना हुआ है ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बनाए हुए हैं, घनाभ की विमाएं जो है 15 × ये दे रहा है ठीक है, यानी आप कह सकते हैं देखो सब ये दे रहा है ठीक है, 15 cm × 10 cm × 3.5 cm, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या है 0.5 cm ये, और गहराई है आपकी 1.4 cm, कमलदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ठीक है, ये आपका एक घनाभ कार है ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें पेन रखने के लिए शंकु के आकार के गड्ढे बनाए गए हैं, देखो जो यहाँ पे दर्शाए गए ये पेन रखे हैं आपके ठीक है, शंकु के आकार गड्ढे हैं 1, 2, 3, 4 चार शंकु के आकार के गड्ढे हैं ठीक है। फिर कह रहा है इसमें आपको ज्ञात करना है लकड़ी का आयतन है कितना, तो सिंपल सी बात है एक घनाभ में 1, 2, 3, 4
चार शंखुओं को निकाल लिया गया है, ठीक है, यही तो हुआ है भाई। चार गड्ढे पर एक ठोस से लकड़ी है, ठीक है, धन के आकार की, घनाप के आकार की, फिर इसमें से क्या किया गया है, चार शंखु को बाहर निकाल लिया गया है और तो किया नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है आपके पास। तो सबसे पहले देखो शंखु की अगर बात करें, जो इसमें शंख बने हैं, तो यहाँ पे खुद से बताइएगा शंखु की त्रिज्या क्या दिया है। त्रिज्या यानी आर, देखो बुक में लिखा होगा शंख की त्रिज्या दिया है आपको 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देंगे 0.5 सेंटीमीटर। आगे देखो बात कर रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर और गहराई जो दिया है। अच्छा गहराई क्या होगी बताओ, गहराई क्या होगी। हम एक ये डायग्राम पे और बना के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन में ना हो, ठीक है। ये शंकु है, ऐसे गड्ढा बना होगा कुछ ऊपर से ऐसे गोल टाइप में होगा, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या होगी वो अपनी 0.5 होगी। गहराई क्या होगी, जो ऊंचाई होगी भाई, गहराई वही होगी जो ऊंचाई होगी, सिंपल सी बात है ना। ओके समझ में आया। तो ये आपको कितना दे रहा है, 1.4, ठीक है। तो ऊंचाई को ही गहराई कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो शंकु की गहराई, गहराई ब्रैकेट में ऊंचाई भी डाल लो ताकि बिल्कुल क्लियर रहे ये बात, ठीक है। ऊंचाई यानी h कितना आपको दिया है, 0.4, हाँ 1.4 ही लिखा हुआ है, जीरो निकल आया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, और कुछ दिया है, और कुछ दिया है, ठीक हो गया, संग से रिलेटेड हो गया सब कुछ, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखो एक डिजिट और दी हुई है, नहीं दो, घनाभ की विमाएं दी हैं। क्या दिया है, घनाभ की विमाएं। अच्छा घनाभ की विमाएं, लंबाई विमाएं क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि लंबाई आपको दिया है, ऊंचाई दिया है और क्या दिया है, चौड़ाई दिया है। चलो बताओ कितनी दिया है, कम सा लंबाई कितना दिए है, 15 सेंटीमीटर, आगे 10 सेंटीमीटर, आगे 3.5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है, ठीक है। अब आपको देखो निकालना क्या है, निकालना है लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, ये तो बोला गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे लकड़ी क्या है, घनाभ है, तो यहाँ पे लिख सकते हो घनाभ, ठीक है, घनाभ में लकड़ी का आयतन, ठीक है, लकड़ी का आयतन, आयतन। चलो अच्छा क्या हो जाएगा, तो एक घनाभ के आयतन से चार शंकु को निकाला गया है, ठीक है, लकड़ी लकड़ी लकड़ी, ठीक है। ओके क्या किया गया, एक घनाभ में से, ठीक है, नहीं घनाभ, ठीक है, के आयतन से, घनाभ के आयतन से माइनस क्या किया गया है, चार शंकुओं को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे माइनस चार शंकु, ठीक है, शंकु के आयतन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई सबको, आई बात समझ में, इतना ही समझना है आपको, ठीक है। यही चीज समझ गए तो आगे सवाल आप कर लोगे, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बस इतनी बात समझ में आई, ठीक। लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो चलो रख देते हैं, घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है आपका, घनाभ के आयतन का फार्मूला लंबाई, देखो यहाँ पे देखिएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, ये फार्मूला होता है, माइनस 4 इंटू शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3π एच, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर लंबाई में कितना दिया है, 15 इंटू चौड़ाई में कितना दिया है, 3.5, ऊंचाई में कितना दिया है आपका, 10, ठीक है। सारी वैल्यू आपके पास लिखी है यहाँ पर, 1/3, यहाँ 22/7, आर की बात कर ले तो आर क्या है आपके पास, 0.5, ये देखो, ठीक है। और एच की बात कर लें तो 1.4 है, ठीक, अच्छा हाँ हाँ स्क्वायर है तो दो बार हो जाएगा, 0.5 × 1.4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तो बच्चों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कट नहीं कर सकते हो, कट करना हो तो यहाँ दूध कट कर सकते हो, ठीक है, पर ऐसा कुछ है नहीं, पर पॉइंट को पहले हटा लो यहाँ पर भी, क्योंकि पॉइंट जब भी हटाओ नीचे अगर जीरो आए तो जरूर करना, अगर ऊपर आए तो मत करना, ठीक है। देखो यहाँ से क्या कट रहा है, ये वाला कट जाएगा, ये 7 × 14 इतना कट हो सकता है,
ठीक है, और कुछ नहीं कट हो सकता है, ठीक है, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पर, यहाँ यहाँ पे दिए 10-10 कट हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो 15-35 बचा, तो 15-25 कितना होता है 75, हासिल है 7, ठीक है, 15-3 45, 45 और 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 52, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 525 हो जाएगा, ओके। आगे माइनस इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो 5 × 10, ठीक है, और 10 और एक बुरा कराएंगे तो 220 हो जाएगा, और 220 का जब 5 से कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 220 में 0, 5 × 10 से 11, ये हो जाएगा आपका 1100। उसके बाद है 4, ठीक है, और 4 से गुणा कराएंगे तो क्या 44, ये हो जाएगा आपका 4400, ठीक है, और बटे में आपका देखो कितना है आपका 1 2 3 0, ठीक है, 7, तो ये आ जाएगा 3 1 2 3 0, ठीक है, ये आ जाएगा गुणा करने पर। इतना समझ में आया सबको, ऊपर की संख्या नहीं, 4 22 5 5 2 का गुणा कराएंगे तो 1100 आ जाएगा। कैसे आया, देखो 2 को हमने 5 में करा दिया, हमारा 10 आ गया, इस 10 को गुणा करा दिया हमने सीधे इसमें, तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा, और 220 का जब 5 में गुणा कराओगे तो 1100 आ जाएगा। देखो 220 का इंटू 5 करा दिया, 5 × 0 5 × 10 और 5 का 0 5 × 10 1100 आ गया, और इसमें जो इधर वाला 4 बच्चा गुणा करा दिया 44 आ गया नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 0, ये वाला 0, इस 0 से इस 0 को उड़ा दो, जितना हो सकता उड़ा दो। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है, पहले बच्चा क्या आपके पास बच्चा 525 माइनस 44 बटे 30 बच्चा, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, क्या जाएगा 30 आ जाएगा, इधर 30 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो 0 5 3 15 हासिल आया 1, और 3 × 6 1 7, और 3 5 15, और माइनस का 44, ठीक है, इसको माइनस कर दो तो यहाँ 10 में से 6 4 जाएगा आपका 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचा आपका 4 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ 7 है आगे, और क्या है आपका 5 है और 1 है, और नीचे हमारा 30 है, ठीक है। अब 30 को जरूरी नहीं कि 30 से हम डिवाइड कराएं, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो 15 7 0 6 करके ये, और 3 × 10 भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब आपको 3 से सिर्फ भाग देना है, ठीक है, चलो 3 से भाग दे दो कितना आएगा, 3 से भाग दे दो, किस में भाग दोगे 15 7 0 6 में, चलो बताओ कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा 3 5 15 पूरा कट जाएगा, ठीक, 7 उतारेंगे 2 बार में, 6 जाएगा 1, और ये 0.0 का बढ़ा देंगे, 3 3 9 जाएगा या 1 6, फिर 3 5 15 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और आपका 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, और उसके बाद 3 3 9 जाएगा, और फिर आपका 1 बचेगा, फिर 3 3 9 जाएगा, समथिंग ये जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके पास आ जाएगा 52 3 5.33 आ जाएगा, अपॉन में क्या है नीचे 10 बचेगा, जितने नीचे 0 उतनी संख्या पर पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 52 523.5 या 3, इतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 523.53। अच्छा देखो यहाँ पर आयतन निकाला गया है, तो इसकी वैल्यू सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लीजिए, और जी हो गया। तो ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। आप बच्चे सिर्फ 3 आज की क्लास में सवाल बताएं, अगर इन 3 सवालों को एक बार रिवीजन करते हुए, वैसे तो एक बार आपने क्लास देखी कंफर्म आ गए होंगे, अगर मन से देखा होगा, ठीक है, आ गए ना, अगर बच्चों आपको आगे तो सब बच्चों को आगे होंगे, ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मिलते हैं कल की क्लास में, ओके बेटा, आज इतना ही, जय हिंद।